हेलो दोस्तों, स्वागत एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर जावा प्रोग्रामिंग के इस फ्री कोर्स में, जहां आज बात होगी इतिहास के बारे में, जावा के इतिहास के बारे में, हिस्ट्री ऑफ जावा के बारे में, जहां पर आज हम बहुत छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं कि जावा कब डेवलप हुई थी, व्हाई इट इज कॉल्ड जावा लैंग्वेज एंड विच इज द कंपनी ऑनर बाय द जावा, मतलब जावा किस कंपनी का प्रोडक्ट है, कब डेवलप हुई थी, कहां पे डेवलप हुई थी, किसने डेवलप की थी, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को आज हम बात करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं यहां से, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। जावा डेवलप्ड इन 1995, है ना। इस एक एक कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में बात करेंगे, डोंट वरी अबाउट दिस। जावा का जो इनिशियल डेवलपमेंट शुरू हुआ था वो हुआ था 1990s में। और जब देखिए, कोई भी कंपनी में जब कोई प्रोजेक्ट, एक्चुअली जावा इज अ प्रोजेक्ट फॉर द कंपनी, राइट। तो जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तो इस प्रोजेक्ट को बोला गया था ग्रीन प्रोजेक्ट, दैट इज बेसिकली कॉल्ड ग्रीन प्रोजेक्ट, राइट। कि अगर कंपनी से पूछा जाए बॉस आप किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो दैट इज अ ग्रीन प्रोजेक्ट। जावा नाम तो बड़े बाद में रखा गया, राइट। और यहां पर आप देखिए, आज अगर हम जावा की बात करें तो जावा इज वेरी मच सक्सेस इन डिफरेंट एरियाज, जो कि हमें बड़ा सेटिस्फेक्शन देता है कि बहुत जावा में हमारा फ्यूचर जो है वो बड़ा शानदार ब्राइट होने वाला है। क्योंकि आज जावा मोबाइल एप्लीकेशन में सक्सेस है, इंटरनेट एप्लीकेशंस में सक्सेस है, ई कॉमर्स एप्लीकेशंस में सक्सेस है, गेमिंग एप्लीकेशन में सक्सेस है, एम्बेडेड सिस्टम में सक्सेस है। लेकिन जब इसकी थॉट प्रोसेस ली गई थी, जब ये ग्रीन प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, तो उस समय जावा के बारे में इतना नहीं सोचा था कि ये लैंग्वेज को आगे इतने लेवल तक एक्सपांड किया जाएगा। इनिशियली इस लैंग्वेज को डेवलप किया गया था जिसका नाम भी जावा नहीं था, ग्रीन प्रोजेक्ट के नाम से इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया था। और इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के लिए। अब क्वेश्चन आता है, सर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स मतलब क्या? आज आप बहुत से ऐसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट देखते हैं जहां पर आपको कहीं ना कहीं प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट दिखते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं बॉस रिमोट एप्लीकेशन, कि यदि मैं यहां पर हूं और अगर मैं रिमोट से अपने एसी को ऑन कर रहा हूं, मैं रिमोट से अपने टीवी को ऑन कर रहा हूं, रिमोट के अलावा अगर टीवी की बात करें तो सेटअप बॉक्स। कि आज अगर हम देखते हैं कि अगर आप किसी भी कंपनी के इंटरनेट कनेक्शन को एक्सेस करना चाहते हैं तो यू हैव टू यूज, या टीवी एक्सेस करना चाहते हैं तो यू हैव टू यूज अ सेटअप बॉक्स। तो यहां पर आप थोड़ा सा थॉट प्रोसेस लेके देखिए कि ये सेटअप बॉक्स, ये जो आपका रिमोट एप्लीकेशन है, कहीं ना कहीं ये भी प्रोग्रामिंग से ही रन होते हैं ना। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, तो बॉस ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आप क्या है, इट्स अ कंप्लीटली प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। तो इस तरीके के प्रोडक्ट का थॉट लिया गया था कि बॉस इस तरीके के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाने हैं, राइट। और यहां से इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी फॉर मेनली इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। और जब ये सक्सेस हुआ, जब ये बना, तो एक्चुअली इसका नाम रखा गया था ओक लैंग्वेज। तो आप देखिए, यहां पर हम दो तरीके की प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी की आज मैं बात करने वाला हूं, सुनना ध्यान से, राइट। इनिशियली इस लैंग्वेज का नाम था ओक लैंग्वेज। ओक एक्चुअली क्या है, इट इज अ ट्री। ये कई कंट्रीज का नेशनल ट्री है, लाइक यूएस ट्री है, यूएस में, जर्मनी में, दिस इज द नेशनल ट्री, राइट, ओक ट्री। तो उसी ट्री के नाम पे इस ट्री का नाम, इस लैंग्वेज का नाम रखा गया था ओक लैंग्वेज। इनिशियली द प्रोजेक्ट वॉज कॉल्ड ग्रीन प्रोजेक्ट, मतलब जब प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी तो इसको ग्रीन प्रोजेक्ट नाम दिया गया था, और ग्रीन से ही रिलेटेड नाम रखा गया ओक, राइट। और अब आप समझिए, जो मेजर कॉन्सेप्ट यहां पर हम बात कर रहे हैं कि बॉस एक ऐसी लैंग्वेज चाहिए थी, सुनना ध्यान से, एक ऐसी लैंग्वेज चाहिए थी उस समय, जैसे मैंने अभी आपको बताया इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के लिए एक ऐसी लैंग्वेज चाहिए थी जिसको चलने के लिए किसी ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत ना पड़े। आई डोंट रिक्वायर्ड एनी ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन द आउटपुट ऑफ दिस लैंग्वेज, मतलब मुझे इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इस लैंग्वेज में बने हुए प्रोडक्ट को चलाने के लिए किसी ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट ना हो। तो आप देखिए, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है क्या, कि जब आप टीवी चालू करते हैं तो पहले ऑपरेटिंग सिस्टम आता है उसके बाद टीवी ऑन होता है? नो। जब आप वॉशिंग मशीन ऑन करते हैं तो पहले वॉशिंग मशीन में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है उसके बाद आपकी वॉशिंग मशीन शुरू होती है? नो। तो ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, इन प्रोडक्ट को जो इनिशियली डेवलप किया गया था, दैट वाज द लैंग्वेज कॉल्ड ओक लैंग्वेज। ये शुरुआत हुई थी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की ओक लैंग्वेज के साथ। तो इनिशियली इस लैंग्वेज को सोचा गया था इस तरीके के प्रोडक्ट के लिए, जो कि 1990 से शुरू हुआ था, 91 में ये डेवलप हुआ था। लेकिन उसके बाद ये थॉट प्रोसेस आई कि बॉस जब एक लैंग्वेज ऐसी बन सकती है जो कि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के अपने आउटपुट को डिस्प्ले कर सकती है, तो क्या यह पॉसिबल है कि एक ऐसी लैंग्वेज को डेवलप किया जाए जो मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम पे अपने आउटपुट को उसी फॉर्मेट में शो करे जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे यह डेवलप्ड हुई है।
क्योंकि उस समय जो एग्जिस्टिंग लैंग्वेजेस थी लाइक C++ उनके साथ इश्यू ये था, या इश्यू नहीं बोल सकते, उन लैंग्वेज की अपनी ये प्रॉपर्टी थी कि यदि मैं C का प्रोग्राम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे बनाता हूं, सो आई कैन नॉट रन द exe ऑफ दैट लैंग्वेज इनटू एनी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम। और यहां रिक्वायरमेंट थी कि बॉस इंटरनेट के लिए एक लैंग्वेज चाहिए जिसका प्रोग्राम मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंडिपेंडेंटली काम कर सके, क्योंकि ये लैंग्वेज बन चुकी थी, ओक आ चुकी थी, लेकिन ओक का अपना थॉट था, ओक आया था इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के लिए, और अब जो थॉट है वो दूसरा है। देखो आप दोनों में डिफरेंस समझना, एक ऐसी लैंग्वेज जिसको चलने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत ही नहीं, और अब बात हो रही है एक ऐसी लैंग्वेज चाहिए जिसको मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करना है, मशीन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट रन करना है। तो दोनों के थॉट प्रोसेस में डिफरेंस आप समझो। और जब यह थॉट प्रोसेस आया कि अब एक ऐसी लैंग्वेज चाहिए जो इंटरनेट के लिए चाहिए, जो इंटरनेट प्रोग्रामिंग के लिए चाहिए, तो यहां से थॉट शुरू हुआ जावा का, राइट। और जब यह लैंग्वेज बनी तो अब बात आई इसका नाम क्या रखा जाए, राइट। देखिए आप अभी हम पहले थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में आते हैं। लैंग्वेज बनी, डेवलप हुई, इंटरनेट प्रोग्रामिंग के लिए यूज भी हुई। एपलेट वॉज द फर्स्ट एप्लीकेशन जिसने एक स्टैटिक वेब एप्लीकेशन को डायनेमिक में कन्वर्ट किया। लेकिन मेजर क्वेश्चन यह है कि सर इसे जावा क्यों बोला गया, Why this language is called a Java language, right? ये सबसे major एक important question है, क्योंकि initially इस language का नाम क्या था, मैंने आपको बताया initially this language is called Oak language, right? लेकिन इसको जब Oak language इसका नाम था जब तक इसको electronic products के लिए use किया गया था, लेकिन जब इस language को platform independent बनाया गया, राइट, तो इसी लैंग्वेज के फर्दर नाम पे काफी डिस्कशन हुआ। और यहां पर चाहिए था एक ऐसा नाम, ठीक है, जो कि हम बात कर रहे हैं व्हाई जावा इज कॉल्ड जावा, व्हाई दिस लैंग्वेज इज कॉल्ड जावा लैंग्वेज, व्हाई द नेम इज जावा, यू कैन से दैट कि इस लैंग्वेज को जावा क्यों बोला गया, राइट। तो आप पहले यह सोचिए जावा क्या है एक्चुअली। जावा इज वन ऑफ द आइसलैंड इन इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में एक आइसलैंड है, जावा आइसलैंड, राइट। तो आप इस आइसलैंड का नाम जावा है सर, टेक्नोलॉजी का नाम जावा है, कहां पे कॉम्बिनेशन किस तरीके से सेट हुआ था? आप देखिए किसी भी लैंग्वेज के नाम की हिस्ट्री अगर आप देखोगे तो आपको बड़ा फनी लगेगा कि इस लैंग्वेज का नाम ऐसा क्यों रखा गया। लाइक चलिए मैं जावा पे तो अभी आता हूं, लेकिन वाई पायथन इज कॉल्ड पायथन, तो पायथन को पायथन बोलने के पीछे रीजन क्या है? देयर वाज अ टीवी सीरियल शो कॉल्ड मोंटी पायथन सर्कस, और उनके डेवलपर जिसने ये डेवलप किया उसका बड़ा फेवरेट टीवी सीरियल शो था, तो टीवी सीरियल के नाम पे टेक्नोलॉजी का नाम रखा गया पायथन। ऐसा ही कुछ जावा के साथ भी है। देखिए अब जावा का पहली बात, कोई फुल फॉर्म नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है। द मीनिंग ऑफ जावा एक्चुअली एक कॉफी का नाम है जावा। इंडोनेशिया में द फर्स्ट एक्सप्रो कॉफी जो है वो इस नाम से जानी जाती है, जावा कॉफी। तो उसी के नाम पे इस लैंग्वेज का नाम रखा गया है जावा लैंग्वेज, क्योंकि जो डेवलपर्स हैं उनका थॉट ये था कि बॉस इस लैंग्वेज का नाम कुछ रिफ्रेशिंग होना चाहिए, कुछ डिफरेंट होना चाहिए जो कि रिफ्रेश करे माइंड को, राइट। तो इस थॉट से इस लैंग्वेज का नाम रखा गया जावा लैंग्वेज। तो एक्चुअली जावा इज द नेम ऑफ वन ऑफ द आइसलैंड इन इंडोनेशिया, और जावा जो है एक्चुअली कॉफी के नाम से भी जाना जाता है वहां पे, तो इसीलिए उस टेक्नोलॉजी को उस आइसलैंड के नाम पे, उस कॉफी के नाम पे रखा गया जावा। और इसका सिंबल भी कॉफी का कप है। एक्चुअली जावा का सिंबल क्या है? द कप ऑफ द कॉफी, जहां पर आप देखते हैं ऐसा कॉफी का कप है, विच इज अ सिंबल ऑफ जावा। सो नथिंग वेरी मच डिटेल्ड अबाउट द जावा नेम कि बॉस जावा को जावा नाम देने के पीछे कोई टेक्निकल रीजन है, कोई टेक्निकल रीजन नहीं है। और मैक्सिमम लैंग्वेज के नाम आप देखोगे तो कोई टेक्निकल रीजन नहीं है, और वही जावा के साथ भी है। सी को सी क्यों बोला गया, कभी आप हिस्ट्री पढ़िएगा, BCPL का पहला वर्ड उठाया बी, तो सेकंड वर्ड उठाया सी आ गया। फ्यूचर में जब आप देखोगे स्प्रिंग को स्प्रिंग क्यों बोलते हैं, जावा की अपनी फर्दर आगे टेक्नोलॉजीज आप देखेंगे स्प्रिंग, तो आप उसके नाम पे भी बड़े आपको हंसी आएगी कि स्प्रिंग का नाम स्प्रिंग क्यों रखा गया, क्योंकि उसको ईजीपी से कंपेयर किया गया। और एक्चुअली यूएस में दो सीजन होते हैं, एक विंटर सीजन और एक समर सीजन, तो कंपेयर किया गया विंटर सीजन को ईजेपी के साथ और समर सीजन को स्प्रिंग के साथ, स्प्रिंग सीजन और विंटर सीजन, तो सीजन के नाम पे टेक्नोलॉजी का नाम रखा गया स्प्रिंग। तो वैसे ही जावा को जावा क्यों बोला गया आपको शायद समझ में आया होगा। इट इज द नेम ऑफ द आइसलैंड एंड इट इज द नेम ऑफ एक्चुअली वो आइसलैंड। एक चीज और देखिए आप, एक्चुअली जो पहली एक्सप्रो कॉफी बनी थी वो उस आइसलैंड पे डिजाइन की गई थी, इसीलिए उसका नाम जावा आइसलैंड कहा गया, उस कॉफी को जावा कॉफी बोला गया, राइट। और इस टेक्नोलॉजी का नाम
उस आइसलैंड के नाम पे रखा गया, क्योंकि बहुत सारी मल्टीपल चॉइस थे कि क्या नाम रखा जाए, लेकिन इन सब में जो बेस्ट नाम रखा गया, जो बेस्ट चॉइस आई सामने, वो आई जावा, एंड दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड जावा टेक्नोलॉजी। और इन सब के पीछे द मेन बिहाइंड दिस टेक्नोलॉजी इज व्हाट, ठीक है, द मेन बिहाइंड दिस टेक्नोलॉजी की किसने इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया है, तो मेन पर्सन बिहाइंड दिस टेक्नोलॉजी इज जेम्स गोस्लिन एंड इट्स टीम। वो हमेशा अपनी टीम को भी उतना ही क्रेडिट देते हैं, ठीक है। तो जेम्स गोस्लिन एंड इट्स टीम डिजाइन दिस लैंग्वेज इन 1995, जो सबसे पहला इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन जावा में डेवलप हुआ, जिस इज कॉल्ड एन विच वॉज कॉल्ड एन एप्लेट एप्लीकेशन। तो एप्लेट को जो डिजाइन किया गया था, और जो सबसे पहली डायनेमिक वेब एप्लीकेशन बनी थी, जिसने HTML के साथ जावा के प्रोग्राम को रन करके मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम पे अपने रिजल्ट्स को डिस्प्ले किया, वो था 1995 में। लेकिन जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बॉस इनिशियली ये लैंग्वेज जब डेवलप की गई थी तो ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के लिए डिजाइन की गई थी, लाइक सेटअप बॉक्स, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, इलेक्ट्रॉनिक गेम्स। तो आप देखते हैं ना, यहां पर कहीं ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो थॉट ही ये था कि एक ऐसी लैंग्वेज जिसके प्रोग्राम को चलने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत ही ना हो, एंड दैट वाज कॉल्ड एन ओक लैंग्वेज। लेकिन बाद में ये थॉट आया कि अब वो लैंग्वेज चाहिए जिसको मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन किया जा सके, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज चाहिए, तो ये टेक्नोलॉजी आई जावा। एंड व्हाई इट इज कॉल्ड जावा, आई थॉट कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो जेम्स गोस्लिन एंड इट्स टीम डिजाइन दिस लैंग्वेज फॉर द कंपनी कॉल्ड सन माइक्रोसिस्टम। इस लैंग्वेज को डिजाइन किया गया था जिस कंपनी के लिए, वो थी सन माइक्रोसिस्टम, बट लेटर ऑन ओरेकल टेक ओवर दिस कंपनी एंड नाउ इट इज अ सब्सिडियरी ऑफ ओरेकल कंपनी, तो नाउ इट इज अ पार्ट ऑफ ओरेकल कॉर्पोरेशन। तो आज हम जावा को बोलते हैं इट इज अ पार्ट ऑफ द ओरेकल कॉर्पोरेशन। और आप देखिए डिफरेंस भी कहां से दिखेगा आपको, जावा के जो सर्टिफिकेशन पहले होते थे, राइट, कि जावा, जब जावा मार्केट में आई थी तो जावा के अपने कुछ सर्टिफिकेशन होते थे जिनका नाम था ACJP, सन सर्टिफाइड जावा प्रोफेशनल, राइट, ACJP। और आज उसी सर्टिफिकेशन को जाना जाता है OCJP के नाम से, ओरेकल सर्टिफाइड जावा प्रोफेशनल। व्हाई? बिकॉज नाउ ओरेकल टेक ओवर दिस सन सिस्टम, सन माइक्रो सिस्टम। तो यहां पर आप देखिए कि कॉन्सेप्ट क्या बोलता है बॉस, हिस्ट्री क्या बोलती है कि जावा 95 में डेवलप हुई थी। इनिशियली जब इस लैंग्वेज को डेवलप किया गया था तो थॉट प्रोसेस अलग था, लेकिन लेटर ऑन जब इसको जावा थॉट से सोचा गया, इंटरनेट प्रोग्रामिंग के लिए सोचा गया, तो कहां से चीजों को बदला गया। और डेवलप्ड बाय जेम्स गोस्लिन एंड इट्स टीम 95 में, सन माइक्रो सिस्टम वॉज द इनिशियल नेम ऑफ द कंपनी, बट नाउ इट इज एन ओरेकल कॉर्पोरेशन। तो ये है जावा का एक छोटा सा इतिहास जिसके बारे में भी हम लोगों ने बात की है, और जिसमें सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि व्हाई इट इज कॉल्ड जावा लैंग्वेज, किसको जावा बोलने के पीछे रीजन क्या है, ठीक है। ग्रीन प्रोजेक्ट क्या है, ओक का मतलब क्या है, ओक एक्चुअली मैंने आपको क्या बोला, इट इज अ ट्री, इट इज वन ऑफ द ट्री, नेम ऑफ द ट्री, जो कि कई कंट्रीज का नेशनल ट्री भी है, ठीक है। तो इसी के नाम से ओक की शुरुआत हुई थी, लेटर ऑन ओक कन्वर्टेड इंटू जावा। तो ये है जावा का एक छोटा सा इतिहास जिसके बारे में अभी हम लोगों ने बात की है, एंड आई होप कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आया है। कुछ समझने जैसा इसमें कोई लॉजिक नहीं है, केवल आपको यह पता होना चाहिए कि जिस टेक्नोलॉजी को आप शुरू करने जा रहे हैं उसकी हिस्ट्री क्या है, वो किसने बनाई थी, कब बनी थी, किस कंपनी का प्रोडक्ट है, यह सारी हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई द रीजन कि आज हमने इन सारे कॉन्सेप्ट्स पे ब्रीफली बात की है। लेकिन नाउ डेज अगर हम बात करें तो बॉस जावा जहां से शुरू हुई थी वहां से काफी आगे निकल चुकी है। नाउ डेज जावा इज यूज्ड फॉर मल्टीपल एरियाज, कि आज जावा मोबाइल एप्लीकेशन में सक्सेस है, आज जावा डेस्कटॉप एप्लीकेशन में सक्सेस है, जावा कैन बी यूज्ड फॉर गेमिंग एप्लीकेशन, जावा इज यूज्ड फॉर इंटरनेट एप्लीकेशन, ई कॉमर्स बेस्ड एप्लीकेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग, एंड देर आर मेनी एरियाज जहां आज जावा सक्सेस है, जहां आज जावा ने अपने आप को स्टेबल किया है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आया है, और यदि समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, और बने रहिए अभी इस कोर्स में, क्योंकि ये तो इतिहास है, भविष्य तो अभी आने वाला है, ये तो फ्यूचर की तो बात अभी हम करने वाले हैं बॉस, की जावा में क्या फ्यूचर हमें मिलने वाले हैं, किस तरीके की जॉब ऑफर हमें होंगी, जावा डेवलपर किस किस एरिया में अपने करियर को सक्सेसफुली स्टेबल कर सकते हैं। तो ये हिस्ट्री था, प्रेजेंट होगा, और बाद में हम फ्यूचर की बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।